मेडिकल पर लाइव पत्थरबाजी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र के एकता कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब 15 से 20 अज्ञात युवकों ने सरगम मेडिकल शॉप पर जमकर पथराव कर दिया। पथराव का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर पीड़ित ने वायरल कर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र में एकता कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब 15 से 20 अज्ञात युवकों द्वारा सरगम मेडिकल शॉप पर जमकर पथराव किया गया। पथराव की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरीके से दबंग ने दुकान को अपना निशाना बनाया है। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया, वह दोपहर में मेडिकल की दवाई लेने के लिए मार्केट गए हुए थे, तभी अज्ञात युवकों ने दुकान पर हमला किया है। पीड़ित किसी भी हमला करने वाले युवक को नहीं जानते हैं, उन्हें पड़ोसियों से जानकारी मिली है। उनके मेडिकल पर अज्ञात हमलावरों ने पथराव किया है। जब वह दुकान पर पहुंचे तो दुकान में चारों तरफ पत्थर पड़े थे, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी है। अपनी जान को अज्ञात हमलावरों से खतरा बताया है और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कानून व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दावे करती हो, लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दबंगों ने दिन दहाड़े मेडिकल स्टोर पर जमकर पथराव किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपियों पर क्या कार्रवाई। जी, क्या नाम है आपका? रजनीश चौहान नाम है। रजनीश जी, बताइएगा आपकी दुकान पर जो हमला किया गया था कौन लोग थे वो? उसकी तो मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि वो पहचान में नहीं है मेरे, ना कोई जानने वाले हैं। और दोपहर के टाइम मैं अपनी शॉप ऑफ रखता हूँ लगभग 2 से 5 तक, तो उसी बीच में आज अपनी मेडिसिन वगैरह लेने के गया था मेडिकल के लिए, तो मेरे पे एक फ़ोन आया, बोले भैया आपके यहाँ परिचित थे, बोले आपके यहाँ मेडिकल पे कुछ पथराव हुआ, मैंने मुझे तो जानकारी है नहीं। तो उसके फ़ोन के बाद मैं जब दुकान पर आया तो वो बात सत्य नहीं थी। क्या आपने इसकी शिकायत की है? हाँ, मैंने अपनी मंडी समिति चौकी में शिकायत दी है इसकी। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आए थे, क्या या आप पर हमला ही करते, क्या आपको खतरा भी है? वो लगभग 25-30 लड़कों से ज़्यादा थे और डंडे थे, बदतमीजी ज़्यादा कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ है मेरे, मुझे लगता है उसमें आगे के लिए मेरी जान को खतरा है।